इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना के हाईकोर्ट के पास, जो है एलएन मिश्रा के छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया है। देखिए किस तरीके से इनका यही कहना है कि सुबह यहां पर इनके छात्रों के, जो एलएन मिश्रा के छात्र हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था। ट्रैफिक पुलिस की इतनी मनमानी है जिसको लेकर ये सड़क को जाम कर दिए हैं। पटना हाईकोर्ट के ठीक सामने एलएन मिश्रा के छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया। देखिए किस तरीके से ये बैरिकेडिंग जो है वो ला रहे हैं, क्योंकि सड़क को पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, हम अपने डेस्टिनी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़क को जाम कर दिया है। जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी मनमानी यहाँ पर आए दिन होती है, इसके वजह से एलएन मिश्रा के छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, क्या मामला है, हम इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि आखिर क्यों सड़क को जाम कर रहा है, क्यों सड़क को जाम कर रहा है आप लोग। यहाँ से हमारा कॉलेज है, हाईकोर्ट है, और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होता। यहाँ से देखिए गाड़ी की संख्या, देखिए किस रफ्तार में गाड़ी आती है। और सुबह यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया हमारे कॉलेज की एक क्लासमेट का, लड़की का, और उसमें कोई ना प्रशासन देखने वाला है, ना कॉलेज के तरफ से कोई ये होता है, कोई देख रेख होता है। रफ्तार से आता है गाड़ी और कुचल के चल जाता है। दो तीन बार पहले भी केस हो चुका है। हम लोग का डिमांड है कि यहाँ पर ब्रैकेटिंग लगाया जाए, कोई व्यवस्था किया जाए, और यहाँ पर किसी तरीके से गाड़ी का रफ्तार रोकने का सिस्टम बनाया जाए। ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है और देखता है और कुछ भी नहीं करता है। हमारा मांग है कि गाड़ी का, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से पास करता है, उसका सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। इतना स्टूडेंट आते हैं संख्या में और इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है हमारे लिए। बस देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से सड़क को जाम कर दिया गया है। ये पूरा हाईकोर्ट का नजारा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो डेस्टिनी न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, किस तरीके से सड़क को जाम किया गया है। काफी संख्या में जो छात्र यहाँ पर आक्रोशित हो चुके हैं और किस तरीके से नजारा जो है वो सड़क को जाम किया है, क्योंकि सुबह यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और ट्रैफिक पुलिस की जो मनमानी है, गुंडागर्दी है, उसकी वजह से ये छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और सड़क पर आकर सड़क को जाम कर दिए हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से सड़क को जाम कर दिया गया है। और इस वक्त जो नज़ारा है पटना हाईकोर्ट के पास का, वो साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया है, क्योंकि सुबह यहाँ पर जब भी कोई छात्र यहाँ से गुजरते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की चालान काटने की गुंडागर्दी कही जा रही है कि आए दिन जब भी आते हैं तो डबल हेलमेट के वजह से और तमाम मांगों चीज़ों को लेकर जो है पुलिस की गुंडागर्दी देखी जाती है। लेकिन इस वक्त जो खबरें निकल कर आ रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी, आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके सड़क को जाम कर दिया है। इस वक्त जो नज़ारा है वो आप डेस्टिनी न्यूज़ पर लाइव देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की गुंडागर्दी देखी जा रही है, कि किस तरीके से देखिए हाथों को बांध कर सड़क को जाम कर दिया है। दोनों ओर सड़क जो है वो पूरी तरीके से बाधित कर दी गई है। इस वक्त जो नज़ारा है, क्योंकि सबसे वीवीआईपी इलाका है, हाईकोर्ट है पास में ही, और पूरा सड़क जो है वो जाम है। दोनों तरफ सड़क को जाम कर दिया है ब्रेकेटिंग लगाकर, और जो एलएन मिश्रा के जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हैं आंदोलन करने के लिए। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सड़क को क्यों जाम किया। देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, रास्ते को घुमा रहे हैं, उधर की ओर भेज रहे हैं, क्योंकि जो गुस्सा है वो छात्रों का फूटा है और वो सड़क पर आकर दिख रहा है, क्योंकि सुबह यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। और उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर रहती है लेकिन ना तो किसी की मदद करती है, सिर्फ चालान काटने का काम करती है, ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित रहता है। लेकिन जो है यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्यों सड़क को बाधित किया गया, क्या कहेंगी, क्यों आप लोगों ने सड़क को जाम किया। इसलिए कि किसी का जान जा रहा है, मतलब ये जो रोड देख रहे हैं ना, इतना खतरनाक रोड है ना, मैं अपने आप कितना बार इस रोड से बचाई हूँ, आप सोचो ना, एक तरफ से इतना जाता है, एक तरफ से आता है जितने भी बाइक वगैरह वगैरह, और कभी भी अच्छे से पार हो ही नहीं पाते। वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनका हेल्प लेके जाते हैं, पर उन लोगों का कुछ भी नहीं होता। किसी का जान जाए, कुछ भी जाए, बट लोग मरे, कुछ भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक लड़की आ रही थी शायद कॉलेज में, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब पता नहीं उसको किस हाल में होगी, कैसे होगी। मैं
इस ये रोड। ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ मौजूद रहती है, उसके बावजूद भी कटने के लिए रहते हैं। बैरिकेडिंग वहाँ लगाएंगे, यहाँ बैरिकेडिंग, जबकि यहाँ पे कॉलेज का स्टूडेंट है, यहाँ से क्रॉस होता है, तो यहाँ से क्रॉस करने यहाँ बैरिकेडिंग लगाए। जो जो की वहाँ चले, आप लोग फाइन काटिए, ठीक है, गलत जो कर रहा है काटिए, लेकिन जो सेफ्टी कहाँ से, सेफ्टी कौन देगा, आप लोग देंगे ना? किसी का जान से बढ़कर ये रोड नहीं है, ठीक है, किसी किसी लड़की किसी लड़का किसी रोड के किसी लड़की का जान से बढ़कर या किसी आदमी का जान के बढ़कर ये रोड नहीं। कोई गरीब भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है और जा सकता है, तो उसको भी तो वो भी तो वो होगा ना। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि ये नज़ारा जो है आप इस वक्त द लाइव देख रहे हैं 10 न्यूज़ पे, यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनमानी जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस की मनमानी है, सिर्फ अनदेखा करती है ट्रैफिक पुलिस। यहाँ पर मौजूद जो ट्रैफिक जो यहाँ पर मौजूद हैं वो उनसे हम भी बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक में मौजूद हैं। आप लोग आए दिन यहाँ पर रहते हैं, जो सुबह एक्सीडेंट हुआ है, छात्रों का आरोप है आप लोग के ऊपर कि सिर्फ मनमानी आप लोग चलान वसूलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आप जांच नहीं करते हैं, आने जाने वाले के लिए मदद नहीं करते हैं, क्या कैसा क्यों आरोप लगाया जा रहा है? 6 बजे एक्सीडेंट होगा तो 6 बजे हम लोग ड्यूटी में नहीं थे, रहते तो मदद करवे करते, हम कहे नहीं मदद करते हम। 6 बजे ये घटना हुई है तो बता तो रहा है, 6 बजे घटना हुई है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं होती है यहाँ पर, लेकिन आप लोग रहने के बावजूद भी सिर्फ चलान काटते हैं, जैसा इन लोगों का आरोप है कि सिर्फ चलान काटते हैं, बाकी कोई मदद नहीं। ऐसा होता है तब हॉस्पिटल भी पहुंचा देते हैं, तो बात नहीं है कि नहीं ले जाते हैं। सड़क पर फूट पड़ा है छात्रों का गुस्सा, और पूरी तरीके से हाथों को बांध कर पूरी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पूरी तरीके से देख सकते हो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर से ये 10 दिन न्यूज पर लाइव तस्वीर देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि लोगों तक ये खबरें पहुंच पाए, क्योंकि जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की इतनी मनमानी है कि आए दिन सिर्फ चालान काटने का काम करती है, अगर जाम सड़के जाम है तो उसे देखने का काम ट्रैफिक पुलिस नहीं करती है। कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं बना हुआ है यहाँ, नो ट्रैफिक जोन, नो ट्रैफिक जोन हमारे सीएम चिल्लाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पैदल भी लोग चलते हैं, और जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, ना फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था है। आज हमारी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अभी सीरियस जिंदगी और मौत से जूझ रही है वो, और यहाँ हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या यही व्यवस्था है यहाँ की सरकार की? यही इसी तरह हम लोग यूथ को देश का भविष्य बोला जाता है, और देश का भविष्य को खत्म करने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। किस इंस्टीट्यूट से हैं आप? एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट से हम लोग। आपके चेयरमैन कौन है? हमारे चेयरमैन भूपेंद्र जी हैं। नीतीश कुमार सर हमारे चेयरमैन, उसके बावजूद यहाँ हमारे कॉलेज और यहाँ हाईकोर्ट भी है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री अध्यक्ष है यहाँ के, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे यहाँ के सीएम कोई भी हो, हाँ, लेकिन ऐसे बिहार ऐसे बदनाम नहीं है यार, किसी का जान जा रहा है, किसी लड़की का ऐसे इस तरह से हो रहा है, तो क्या ही करेंगे आकर यहाँ कॉलेज में पढ़कर इस रोड पे चलकर क्या करेंगे? इन लोगों को वोट देकर जब किसी का जान चला जाएगा तो वो मेरे दोस्त है, जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी दोस्त है, उसका सर में बहुत चोट लगा है, क्या करेंगे बताइए ना? आप लोग इस रोड की व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो देखिए गुस्सा जो है वो जायज है इनका, और जो गुस्सा फूट पड़ा है यहाँ पर कुछ और है उनसे हम बात करें, क्या कहेंगे कैसे ये घटना घटी? सुबह आपको क्या पता चला? सुबह में बैरिकेडिंग नहीं था, MBA की एक स्टूडेंट क्रॉस कर रही थी और उसको एक कार वाला एक्सीडेंट कर चला गया। यहाँ कुछ रूल रेगुलेशन ही नहीं है कि कहीं यहाँ हाईकोर्ट है, ट्रैफिक पुलिस तो नहीं रहती है, चालान काटने के लिए खड़ा रहती है, 9 बजे के बाद हेलमेट नहीं पहना हुआ, 500 रुपया दीजिए हेलमेट तो बिल्कुल जीरो हो चुका है यहाँ का। स्टूडेंट सेफ्टी के मामले में यहाँ पे सिर्फ चालान काट सकते हैं आप लोग, बाकी पुलिस वाले यहाँ पे क्या क्रॉस हो रहा है क्या नहीं है, बस आप कुछ 500 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, वहाँ पे क्या जरूरत है पुलिस को चालान काटने कराने का? यहाँ कोई पुलिस नहीं रहता है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है, अपना काम कुछ नहीं करता है, समझते हैं ये लोग? हम लोग की सिर्फ एक ही डिमांड है कि जितना जल्दी हो यहाँ रेड क्रॉस लगाया जाए या सिग्नल लगाया जाए, यहाँ पे कॉलेज है, हाईकोर्ट है, प्रॉपर हम लोग का
पेडेस्ट्रियन बने ताकि लोग आ जा सके। और यहाँ पे हम लोग डिमांड करते हैं कि यहाँ पे देखिए गुस्सा जो है वो किस तरीके से सड़क को जाम करने के लिए छात्र जो है वो पूरी तरीके से रोक रहे हैं और सड़कों को बंद कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ से ना जाए। थोड़ा सड़क बाधित है, करीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं लेकिन कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं जिसे इन्हें समझाया जा सके और इनकी जो मांग है वो इनकी मांगों को भी हम जान लेते हैं। क्या बोलना ये है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा रोड का कंडीशन तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, क्योंकि मेरा भी जान जाने वाला ही था। मैं कितनी बार मरते मरते बची हूँ, मैं मर जाऊंगी मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, मैं कितनी बार इस एक्सीडेंट यहाँ पे होने से बची हूँ। मुझे इसका कंडीशन ठीक चाहिए, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे पापा मम्मी को भी वो लोग मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। प्रोटेस्ट करने नहीं आए हुए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन इसको जल्दी से एक्शन में आ जाए और आकर के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग कर दे ताकि बच्चे को यहाँ से जाने में आसानी हो, क्रॉस करने में कुछ व्यवस्था हो। ये कॉलेज है हम लोग का, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए व्यवस्था है, हम लोग कॉलेज के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे क्रॉसिंग को हम लोग क्रॉस करने में दिक्कत होता है। यहाँ पे कोई यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे क्रॉसिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, ना सिग्नल है, ना सुबह में यहाँ ट्रैफिक पुलिस रहती है। यहाँ स्टूडेंट का क्रॉसिंग करते समय बहुत जान जाने का खतरा रहता है। आज ही हमारी एक बहन का बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या यहाँ का प्रशासन कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिहार पुलिस का काम बस पैसा काटना, चलान काटना है और कोई काम नहीं है। सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, बस सरकारी खजाना को किसी तरीके से भरवा देना है और आदमी मरे जिए कोई मतलब नहीं है। देखिए साहब, जब कोई नेता आता है यहाँ पे तब कितनी फैसिलिटी लग जाती है, हम आम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं किया जाता है। और वो भी हम लोग स्टूडेंट है, जो मेरी जिसका एक्सीडेंट हुआ मेरी दोस्त है, उसको कुछ हो जाएगा तो उसके फैमिली वाले कैसे रहेंगे उसके बिना, बताओ मुझे सरकार से ये जवाब दो और जवाब दो इस रोड का जितना भी। देखिए किस तरीके से जो है वो उपद्रव हो चुका है, यहाँ पर गुस्सा जो है छात्रों का फूट पड़ा है और सड़क के दोनों ओर ब्रेकेटिंग लगा दिए गए हैं। साफ तौर से देख सकते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से छात्रों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। आने जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरीके से रोका जा रहा है, उन्हें मना किया जा रहा है। इस वक्त की डेस्टी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं और जो छात्र हैं वहां पर गुस्सा फूट पड़ा है छात्रों का, पूरी तरीके से नजारा इस वक्त लाइव आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों ने पूरे सड़क को बाधित कर दिया। ये पटना हाई कोर्ट के ठीक सामने का नजारा है इस वक्त जो आप एसडी न्यूज पर देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से सड़कों को बाधित की है आने जाने वाला, क्योंकि ऑफिस का टाइम है इस वक्त, ऑफिस लोगों को जाना होता है और ऑफिस के टाइम में सड़क को जाम किया गया, क्योंकि इनका भी मांग है कि जो सुबह छात्र के साथ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, इसके वजह से इनका गुस्सा फूटा पूरे तरीके से। यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, ना जेब्रा क्रॉसिंग है। हम लोग के यहाँ कॉलेज आने में बहुत दिक्कत होता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। कल भी मेरे को एक केस लगा, आज मेरी बहन को बहुत हेवी एक्सीडेंट लगा हुआ है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ के चेयरमैन नीतीश कुमार हो क्या रहा है, यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाए, ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए, यही हम लोग का डिमांड है। तो देखिए साहब, तो तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर यहाँ को आके नहीं बोलता है बिहार सरकार के तरफ से कि यहाँ सिग्नल लगाएंगे या जेब्रा क्रॉसिंग, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो देखिए इस वक्त जो नजारा है द एसडी न्यूज पर लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सबसे पहले द एसडी न्यूज ने दिखाया है ये पूरा सड़क जो है वो दोनों ओर जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक वक्त एक्सीडेंट हुआ सुबह में और वो भी एलएन मिश्रा की छात्रा का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके वजह से ये समस्याएं हुई हैं और पूरी तरीके से रास्ते को रोटेट कर दिया गया। दोनों ओर से कोई बड़े अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से एलएन मिश्रा के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो सड़क पर आकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये नज़ारा इस वक्त एसडी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है और लाइव देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्रेकेटिंग लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया है, वो पूरी लाइव तस्वीर आप एसडी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से चारों ओर जो है वो रास्ते को बंद कर दिया। ये हाईकोर्ट का नज़ारा है, हाईकोर्ट के पास भी ब्रेकेटिंग लगा दिया गया है छात्रों के द्वारा, और पूरे सड़क को बाधित कर दिया गया है, क्योंकि इनका जो मांग है छात्रों का कि सुबह के वक्त इनके छात्रा का जो एलएन मिश्रा की छात्रा फाइन लेता है, आदमी सब फाइन के लिए खड़ा है, कल 100 रुपए लेगा 200 लेगा और कोई काम नहीं है, बच्चा का कोई ध्यान नहीं है। पूरी तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस है उन पर ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ फाइन वसूलने के लिए ट्रैफिक पुलिस सड़क पर रहती है,
और सिर्फ फाइन वसूलती है हेलमेट के नाम पर, चलान के ये तमाम हेलमेट के नाम पर, कभी शू नहीं है उसके नाम पर, सिर्फ चलान काटती है, पैसा छापती है बस। यहाँ कौन व्यवस्था, कैसे बच्चों पास करेंगे, क्या करेंगे, इनका कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा एक्सीडेंट है यहाँ पे, 3 दिन में तीसरा एक्सीडेंट है यहाँ पे, 3 दिनों के अंदर 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं ये इनका कहना है। 3 दिनों में 3 एक्सीडेंट हुए हैं, पूरी तरीके से ये सड़क जो है वो बाधित कर दिया गया है। ये नजारा इस वक्त HD न्यूज पर आप लाइव देख रहे हैं, किस तरीके से सड़क को बाधित किया गया है वो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और HD न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले HD न्यूज ने दिखाया इस खबर को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि लोगों तक ये बातें पहुंच पाए। और ट्रैफिक पुलिस की जो मनमानी है, गुंडागर्दी है, वो दिखाई जा रही है इस वक्त। जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से चारों ओर सड़क की बाधित कर दिया गया, सड़क बंद कर दी गई है। LN मिश्रा के पूरे छात्र सड़क पर उतर चुके हैं, और हाईकोर्ट को भी, हाईकोर्ट के रास्ते को भी बाधित कर दिया गया, हाईकोर्ट के रास्तों को भी बंद कर दिया गया। और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है पूरी तरीके से। जो देखिए वहाँ पर जो छात्र हैं वो किस तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ उलझ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं, बात उन्हें मना कर रहे हैं इस सड़क से जाने के लिए, कि सड़क को बंद कर दिए हैं। देखिए यह सड़क जो है पूरी तरीके से ब्रेकेटिंग लगाकर बंद किया गया है, और साथ छात्र जो है किसी को मना कर रहे हैं, क्या पुलिस वाले हैं उन्हें रोक दिया गया है जाने के लिए। छोड़ के कड़ा ऐसा होगा, कोई कोऑपरेट नहीं होगा यहाँ पे, हम तो खुद नहीं जानते हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, हम खुद नहीं जानते हैं, हम तो आप लोग देख रहे हैं कि जाम लगा है। वी डू नॉट वांट एनीबॉडी टू गेट डिस्टर्ब, बट द मैटर इज वेरी सीरियस। यहाँ पे एक लड़की का रोड क्रॉस करते टाइम पे एक्सीडेंट हो गया है, शी इज इन द हॉस्पिटल, कोई भी हो सकती थी, बहुत सीरियस इशू में है यहाँ पे, पहले कोई देखता नहीं। देखिए पुलिस वाले की गाड़ी को पुलिस में है और इन्हें रोका है, और ये अभी जो ऑफिस का टाइम है आपको रोक दिया गया सर, क्या कहा गया? जा रहे हैं हम ड्यूटी, तो अब क्या बता रहे, ड्यूटी पे जा रहे थे, क्या बोला गया इनके द्वारा? अब यहाँ पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है कोई चीज, तो जिसके कारण यहाँ रोके हुए हैं और हम ड्यूटी जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं उन्हें भी रोका गया है, और जो आम है उन्हें भी रोका गया है। और आए दिन ट्रैफिक पुलिस जो है हेलमेट के नाम पर वसूली करती है, ये आरोप है। पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो बंद कर दिया गया है पटना के हाई कोर्ट के पास। ये चारों ओर छात्रों का नजारा देखने को मिल रहा है पटना की सड़क, इस तरफ से लेकर उस तरफ तक सड़कें चारों ओर बंद कर दिए हैं पटना हाई कोर्ट के पास के बाद। किस तरीके से प्रदर्शन, गुस्सा जो है वो एक एक गाड़ियों पर फूट रहा है। और इस वक्त जो नजारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ छात्रा भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सड़कों पर उतरी हैं, हाथों को बांध कर यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करती हैं। क्या हुआ, क्या क्यों सड़क जाम किया? यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, और हम लोग रोड पे, हम लोग को रोड क्रॉस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे पुलिस लोग, कुछ प्रशासन लोग कुछ देख रेख नहीं रहे हैं, ऐसे में थोड़ी होगा। हम लोग के भी कुछ फैमिली लोग हैं, उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ। पुलिस तो यहाँ हमेशा रहती है? हाँ हमेशा रहती है, लेकिन हम लोग उनके प्रति भी तो कुछ हम लोग अवेयरनेस होगा कि उन लोग हम लोग को प्रोटेक्ट करके हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें और रखें। इससे बेटर है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैफिक पुलिस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ कि अब पूरी तरीके से देख सकते हैं कि इस वक्त जो सड़कें हैं वो सुनसान हो चुके हैं, गाड़ियों की अंबार लगी हुई है, पूरा लंबा ये सड़क जाम है। कितनी समस्याएं हो रही हैं, लोगों से हम बात करेंगे जो गाड़ी घुमा कर जा रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस की मनमानी की वजह से, या कह सकते हैं कितनी समस्याएं हो रही है सर? जाना है हमको, देखिए हॉस्पिटल गाड़ी ना रोड बंद कर दिया, किधर से जाए, दिक्कत हो रही है। हाँ क्या बताया गया, क्यों सड़क जाम है ये नहीं बोला? बोला है कोई लड़की का एक्सीडेंट हो गया शायद, अब एक्सीडेंट किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए रोड जाम कर। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि वो गुस्सा पुलिस के ऊपर फूट पड़ा, पुलिस के जिप्सी को रोका गया है, और ट्रैफिक पुलिस की जो पट्टा पुलिस है वो पहुंच चुकी है। और इस वक्त जो नजारा है वो पुलिस आकर अब लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, और पुलिस के गुस्सा जो है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर से। HD न्यूज पर लाइव तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से हाईकोर्ट के रास्ते को बंद किया गया, ट्रैफिक पुलिस यहां पहुंच गई है लोगों को समझाने के लिए, और पुलिस जो है, पुलिस की गाड़ी पहुंची है, जहां पर अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त का नज़ारा जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस पहुंची है लोगों को समझाने के लिए, और क्या कुछ नज़ारा है वो हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। और
बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर वजह जो है वो स्पष्ट हो चुका है कि सुबह ही एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, एलएल मिश्रा की छात्रा का। वो पूरी तरीके से वो इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस में पटना पुलिस पहुँची है लोगों को समझाने के लिए। आए दिन दो बार हम लोग डरे हैं यहाँ पर लेडीज पुलिस पैसा लेते हुए, जबकि बोले स्टूडेंट का आता है तो क्या करती है, जबरदस्ती बाइक रो तुमको रोकवाती है, सब चीज रहकर तंग करती है। उसके बाद उस रोज सब धंधा एक मिनट सर अपना उसका सिपाही दरोगा उसके बाद देखिए पूरी तरीके से किस तरीके से रोका जा रहा है। छात्रों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और हंगामा देखिए कि किस तरीके से जो ऑटो चालक है उसे पीटा जा रहा है। इस तरीके से पूरी तरीके से नजारा इस वक्त लाइव देखिए पूरी तरीके से, और तुम लोग भैया के चलते हैं पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से नाराजगी जो है वो लाइव इस वक्त देख रहे हैं। वो आने जाने वाले को रोका जा रहा है पूरी तरीके से कि किस तरह पूरी तरीके से जो है वो जो महिला थी उसका गुस्सा फूटा। और इस वक्त द एसडी न्यूज़ के पेज पर आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को समझाया गया। हम बात करते हैं क्या हुआ मैडम, क्या हुआ आपके साथ? अरे धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग पूरी तरीके से कह सकते हैं कि देखिए उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की किया जा रहा है मेरे साथ और वो जो है वो समझाने की छात्र जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है, जाने के लिए गाड़ी घुमाने के लिए कह रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आने जाने वाली हर गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि सुबह यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं उसका गुस्सा जो है वो छात्र के ऊपर फूट पड़ा है और छात्रों ने सड़क पर आकर ट्रैफिक पुलिस के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि आए दिन सिर्फ वसूली होती है और वसूली के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस के ओर से ये गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। पूरी तरीके से देखिए कि किस तरीके से सड़कों को जाम कर रखा है और एक एक गाड़ियां वापस जा रही है। यहाँ पर पूरे लंबी कतार लग चुकी है, पटना के सड़कों का सबसे वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर माउंट कार्बन का स्कूल है, पटना वेमेंस कॉलेज है, तमाम इस वक्त जो नज़ारा है वो लाइव देख रहे हैं द एसडी न्यूज़ के दर्शक हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इस वक्त जो गुस्सा है वो छात्रों का फूट पड़ा है और सड़क पर आकर ये गुस्सा टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आए दिन जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की मनमानी है उसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हमेशा रहती है, आए दिन आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जाता है और आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करने के नाम पर वसूली की जाती है, ये कहना है। और इसके वजह से सड़कें जाम की है और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, इसके वजह से ये सड़क को जाम किया है इन्होंने। और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस वक्त जो एसडी न्यूज़ के दर्शक हैं वो लाइव देख रहे हैं हमारे और विशाल हमारे सहयोगी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। विशाल क्या कहेंगे, क्या जानकारियाँ निकल कर आ रही है, सड़क जो है काफ़ी तरीके से जाम हो। देखिए जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनका कहना है छात्रों का कि हमारी जो सहपाठी है, जो एक महिला सहपाठी है जो हमारे साथ पढ़ती है, उसका एक्सीडेंट हो गया और पुलिस यहाँ जो है वो मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है, बस चेकिंग लगाने के नाम पे पुलिस यहाँ खड़ी रहती है। जो यात्री हैं उसको जो रोड पार करने में मुश्किलें होती है क्योंकि सामने हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जज आते हैं, वकील आते हैं, एलएन मिश्रा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जो छात्र आते हैं तो पुलिस बस हाईकोर्ट के जज के लिए ट्रैफिक रोक देती है, लेकिन छात्रों को रोड पार करने में परेशानी होती है जिस वजह से जो है वो छात्रा का एक्सीडेंट हो गया और उसके विरोध में ये लोग जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम किए हुए, यही जानकारी अभी तक फिलहाल जो निकल के सामने आ रही है। और आप देखिए किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो पूरे तरीके से बाधित हो गया क्योंकि व्यस्ततम इलाका है ये, पटना का मेन सड़क है और यह पूर्ण रूप से बाधित है अभी फिलहाल, और छात्र अभी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो ट्रैफिक मैनेज करने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और हटने का फिलहाल तो अभी नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए फिलहाल अभी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, सड़क के चारों ओर ट्रैफिक को पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है, जैसा कहना है पूरी तरीके से हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारा।
तो देखिए साफ तौर से ये नज़ारा इस वक्त एसडी न्यूज़ पर लाइव देख रहे हैं, पूरी लंबी कतारें जो है वो गाड़ी की लग चुकी है और सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। छात्र का यही मांग है कि जो ट्रैफिक पुलिस की मनमानी है, गुंडागर्दी है, वो बंद करे और जो नियम है लोगों को आने जाने के लिए उसे पूरी तरीके से वो अपनी वफादारी निभाए पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के नाम पर सीधे तौर पर कह सकते हैं गुंडागर्दी हो रही है। और इस वक्त जो नज़ारा है वो हम अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सड़कों को करीबन आधे घंटे से बाधित कर दिया गया है। और क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं, यहां पर पुलिस पहुंचे हैं और जानकारियां ले रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या जानकारी निकल कर आई सर? सड़कें बहुत देर से जाम है, क्या कहेंगे? क्या अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं ना, ये लोग का है कि मैंने हम लोग का ट्रैफिक रूल का जो है उसको हम लोग पालन करवाइए जिससे हम लोग को असुविधा नहीं हो। लेकिन इन लोग का कहना है कि ट्रैफिक वाले के मनमानी आए दिन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, सिर्फ पैसे उगाही करते हैं लेकिन जो नियम है वो फॉलो नहीं करवा पाते। ऐसा तो मान ली हम लोग को जानकारी नहीं, लोग कह रहे हैं तो हम तो मैंने सुन रहे हैं इनकी बात से सुन रहे हैं इनको, ये रोड वही जो है ये लोग बता रहे हैं कि भाई इस तरह की बात होती है, उसका तो जाँच करने की बात है कि जाँच किया जाएगा तो इसी होगा जी, जांच करने का विषय है। हाँ, ये इस तरह की दिल्ली का होकर के रह गया है, ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आने दिन में सर दिल्ली का हो चुका है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं बच्चे के, और बात की जाए जब यहाँ पे चलान की तब पुलिस बन जाता है स्पाइडरमैन, उड़ उड़ के पकड़ने लगता है। तो सर ये ऐसा कब तक चलेगा, ठीक है, ऐसा कब तक चलेगा? अब तो आने दिन में आज हमारी खुद कॉलेज मेट अभी जिंदगी से जूझ रही है, तो इसको इसकी जिम्मेदार कौन है? में नहीं रहते हैं तो वो लड़की का भी क्या होता है ये बताइए, अभी सीरियस है वो लड़की हॉस्टल में रहकर वो पढ़ती है। आप जब है तो आप ही ना पहले फर्स्ट मदद कीजिएगा, तो खबर आपको होगी प्रशासन तो मान ली मदद करेगा ही, ऐसा थोड़ा कि मदद आपको प्रशासन नहीं करेगी, हमको खबर अभी अभी आपको कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे सर, हमारा तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। ओवर ब्रिज भी बनाया गया तो एक इतना दूर बनाया गया, जबकि यहाँ पे स्कूल से कॉलेज यहाँ पे पढ़ता है, हाईकोर्ट के स्टाफ से LNMI कॉलेज है, यहाँ फुट ओवर ब्रिज जहाँ होना चाहिए वो यहाँ पे है भी नहीं, वो जाकर के कितना दूर है? तो सर, मुझे डर लगता है सर रोड क्रॉस करने में, यहाँ से वहाँ तक के लिए मुझे गाड़ी को हाथ देकर रोकना पड़ता है कि रुको रुको, गाड़ी सब एकदम स्पीड में आता है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कुछ नहीं कि रोको यहाँ पर रुक जाए, गाड़ी को रोको है कि हम जाकर रोड क्रॉस करें। यहाँ पे भी एक बनना चाहिए यहाँ पे पुल कि हम वहाँ से उस तरफ पार करें, बहुत डर लगता है सर मुझे रोड क्रॉस करने में यहाँ से। तो देखिए साफ तौर से किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस पहुंची है वो लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और पूरी तरीके से सड़कें जाम कर रखे हैं। और इनकी जो मांग है ओवर जो फुट क्रॉसिंग बनाया गया है वो पूरी दूर में बनाया गया पटना वेमेंस कॉलेज के पास से, कि आप सड़क अगर पार करना है तो आप जो पुल बनाया गया है वो पटना वेमेंस कॉलेज के पास बनाया गया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पर होनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट है और LN मिश्रा कॉलेज है। तो ये छात्रों का आरोप है क्योंकि जिस तरीके से लगातार तीन दिनों तक ये एक्सीडेंट होता रहा, जिसके वजह से आज गुस्सा इनका फूट पड़ा और फूटते ही सड़क पर आ गया है। यह तस्वीर देखिए कि किस तरीके ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। साफ तौर से इस वक्त एसडी न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर LN मिश्रा के छात्र में है वो गुस्सा पूरी तरीके से फूट पड़ा है और सड़क को जाम कर रखा है। द एसडी न्यूज़ पर आप सबसे पहले ये तस्वीर देखे हैं और लाइव तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं कि जो नज़ारा है पूरी तरीके से नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ और बिहार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें जो है वो जाम कर रखा है इन्होंने, और पूरी तरीके से इनकी मांग है कि जब तक कोई बड़े अधिकारी नहीं आएंगे और लोगों की बातों को नहीं माना जाएगा तब तक वो सड़क पर से नहीं हटेंगे। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने सड़क को जाम रखा है, क्योंकि लगातार तीन दिनों में तीन दुर्घटनाएं हुई हैं, तीन एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें आज सुबह करीबन 6 से 7 के बीच में ये घटनाएं घटी हैं और फिर एक LN मिश्रा की छात्रा का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें इनका गुस्सा फूट पड़ा है और आज सड़क पर आ चुका है। तो देखिए कि सड़क के दोनों ओर जो है वो बंद कर दिया है इन्होंने, जो ट्रैफिक के जो ब्रेकेटिंग है उसे लगाकर इन्होंने रोक रखा है, वहां से रूट
डाइवर्ट किया गया है, जो हाईकोर्ट के बगल से एक रास्ता गया है वहां से ये रूट डाइवर्ट कर सीधे इसे हड़ताली मोड़ के पास निकाला जाएगा। और अब जो है वो पूरी तरीके से सड़कें दोनों ओर जाम हो गया है। देखिए गुस्सा छात्रों का क्यों फूटा है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दैट्स दिन उस पर आप लाइव बने रहें क्योंकि पल पल की अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि देखिए किस तरीके से छात्रों ने यहां पर सीधे दौड़ कर आए हैं, आखिर वजह क्या है जानने की कोशिश करते हैं क्यों यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर छात्र एकत्रित हो गए हैं और जानने की कोशिश करते हैं, यहां पर भी उन्होंने सड़क को बाधित किया है। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, देखिए यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि सड़क को काफ़ी देर तक इन्होंने बाधित कर रखा है और पूरी तरीके से यहाँ पर भी जो रास्ता घूम कर जा रहा था वो भी बंद कर दिया है इन्होंने और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है पटना का। इधर जो जाने वाले रास्ते हैं वो भले आपको सुनसान दिख रहे होंगे लेकिन सड़क के उस पार जो आप देखेंगे तो लंबी गाड़ी की कतार लग चुकी है, लंबी कतार है ये। और इस वक्त अगर आप पटना की सड़कों पर निकल रहे हैं तो थोड़ा होशियार होकर निकले क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी है, लंबी लाइनें कतार जो है वो बन चुका है गाड़ी का। और जो नज़ारा इस वक्त पूरा पटना का वो तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए किस तरीके से सड़क को बाधित किया है इन्होंने। तो देखिए इस वक्त जो खबरें निकल कर आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पल पल की अपडेट के लिए आप द एच डी न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लगातार बने रहें क्योंकि इस वक्त हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो नज़ारा है जो पटना हाई कोर्ट के पास का सबसे व्यस्ततम इलाका है और सबसे VVIP इलाका है जो सड़क को जाम कर दिया एलन मिश्रा के छात्रों ने और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये सड़क पूरी तरीके से बाधित हो चुका है, किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दी जा रही है, आने जाने वाले हर एक गाड़ियों को रोका जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है और पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो जाने नहीं दे रहे हैं और सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, लंबी कतार गाड़ी की लगी हुई है, यहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं। हम कुछ यात्री हैं उनसे भी हम बात करना है कोशिश करते हैं और जानते हैं कितनी समस्याएं हो रही है, क्या हुआ, क्या पता चला, कहाँ जाना था आपको? स्टेशन जाना था, गाड़ी छूट गई, राजगानी पकड़नी थी, अब छूट गई है गाड़ी हमारी, सड़क जाम है इसके वजह से। हाँ, इसी की वजह से हम टाइम पर चले थे। कितने बजे गाड़ी थी आपकी? गाड़ी 12:30 है, 12 बज गया है, टिकट भी लेना है। देखिए इन्हें जाना था, अपने ट्रेन से पकड़ कर गाड़ी जाना था लेकिन इन्हें सड़क जाम की वजह से जो है सड़क को जाम की वजह से इन्हें गाड़ी छूट गई, ट्रेन छूट गई और जो है इन्हें समस्याएं हो रही हैं। और जो ऑटो चालक है वो पूरी तरीके से अपने पैसेंजर को उतार दिए हैं, खाली पड़ा हुआ है। और जो नज़ारा इस वक्त एसडी न्यूज़ पर, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं लोगों को और कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है सड़क की ओर। देखिए क्या इनको कहा जा रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आज कोऑपरेट नहीं करिएगा तो फिर सिस्टम ऐसा ही रह जाएगा। देखिए पूरी तरीके से जो वो नज़ारा है, बड़े अधिकारी आकर बात करेंगे, ये कहाँ का नियम है? यहाँ पे इतनी गंदी नहीं है, एसपी को आना चाहिए तुरंत। सर यहाँ चलान के लिए लगता है, देखिए पूरी तरीके से कह सकते हैं सड़कें जो है वो बंद पड़ी हुई है और जो चारों ओर है वो सड़क को बाधित कर दिया गया है और लोग एक दूसरे से सिर्फ बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एलन मिश्रा की छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समझ जाएं और काफ़ी उन्हें समस्याएं हो रही हैं सड़क के किनारे क्योंकि जो अभी ऑफिस का टाइम है और ऑफिस के टाइम में लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं जिसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और पूरी तरीके से इस वक्त द एच डी न्यूज़ के तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं किस तरीके से जो है नज़ारा, वो पूरी तरीके से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और पूरा जो क्या नज़ारा है इस वक्त। और कोई बड़े अधिकारी अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं और ना जानकारियां ली हैं, बस एक ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं और कुछ पुलिसकर्मी हैं और लेकिन बड़े अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि करीबन 1 घंटे तक हो चुकी है सड़क को जाम किए हुए और सबसे VVIP इलाका है पटना हाईकोर्ट है और पटना हाईकोर्ट के पास का ये नज़ारा है इस वक्त जो नज़ारा आप देख रहे हैं।
जगह नहीं। तो देखिए पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये कुछ कह रही हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ मैडम जानते की कोशिश करते हैं, क्या हुआ मैडम? एक बच्चा के लिए बाकी बच्चा का जान है कि नहीं है? किसी का बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, आज ये मर जाना है तो बाकी बच्चा का जान ले रहा है ना, एक बच्चा के लिए ये समझ में नहीं आ रहा है? अरे तो एक बच्चा के लिए बाकी बच्चा का जान ले रहे हो ना, जिसका बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑपरेशन होना है, क्यों चुप रहे हैं? हमको हॉस्पिटल जाना है, हमको हॉस्पिटल जाना है। अभी किसी का जान जा रहा है ना, खड़ा रहिए, हमको हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं देंगे। दूसरा बच्चा लो कीमती नहीं है, दूसरा बच्चा लो कीमती नहीं है, पागलपना कर रहा है, मैं बच्चा लोग का हॉस्पिटल नहीं जाना है, हम लोग को हॉस्पिटल। तो देखिए इन मैम के बच्चे की तबीयत खराब है और ये जाना चाहती हैं, क्या कह रहे थे भाई साहब? देखिए प्रोटेस्ट करना ठीक है, जो भी इनकी प्रॉब्लम है चाहे जिसकी भी है, आप अलग हट के कीजिए ना, पब्लिक को आप रोक कर उसको डिमोरलाइज कर रहे हो, उसकी कोई भी तो काम से ही निकला है घर से, हर कोई ऐसे फालतू के थोड़ी निकला, आपका कॉलेज का बात है चाहे जो भी है स्टूडेंट का है, आप उस तरीके से प्रोटेस्ट करके रोड को रोक रहे हैं, पब्लिक के कोई काम से निकला, इनको हॉस्पिटल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, टाइमिंग हो गया है और आप परेशानी हो रही है। और कितनी परेशानियाँ हो रही है? बहुत सारी परेशानी हो रही है सर, आने जाने में नहीं बन रहा है, इमरजेंसी काम है, जरूरी हॉस्पिटल जाना है, पूरा प्रोसेस करने तरीके से लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, दिक्कत का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। कुछ बड़े अधिकारियों को सूचना आपने दी है? हाँ हाँ दिए हुए हैं। क्या बोला गया? हम बोले कि रोड जाम किया हो गया है तो वरीय पदाधिकारी को भेजिए, यहाँ पर बोले हुए हैं, आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। देखिए साफ तौर से बड़े अधिकारी आने की बात इन्होंने कही है और जल्द ही आएंगे और लोगों को आ गए हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, मौके वारदात पर कौन पहुंचे हैं ये जानकारियां हम लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ट्रैफिक डीएसपी पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो मौके वारदात पर पहुँच चुके हैं अधिकारी हैं, जो डीएसपी हैं वो पहुँचे हैं और पूरी तरीके से घटना का मुआयना कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें सुनने बात करने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। जिनकी मौत जूझ रही है तो मैडम से हम लोग फोटो क्लिक करने लगती है, इधर से आप लोग रोड नहीं पार कर सकते, सर कहीं कुछ लिखा तो होना चाहिए सर, इधर ना कोई व्यवस्था, सिर्फ चालान काटने का काम होता है सर, सिर्फ चालान काटना है सर। देखिए साफ तौर से कह रहे हैं कि चालान काटना आता है सिर्फ मौके पर और कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर रहकर, और जानकारियाँ जो है उन्होंने प्राप्त कर ली है और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डीएसडी न्यूज़ पर इस वक्त हमारे दर्शक लगातार बने हुए हैं, उनसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि लोगों तक ये बात पहुँच सके कि यहाँ पर हाईकोर्ट की के पास का जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी मनमानी और उसकी गुंडागर्दी जो है, साफ तौर से ये शब्दों में कहा जा सकता है कि आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहती है लेकिन सिर्फ चालान वसूलने के नाम पर पैसा उगाही करती है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो उसे कोई देखने वाला नहीं होता है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है जिसके वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो तमाम चीज़ें हैं, लोगों की शिकायत है, जो एल एन मिश्रा के छात्र हैं अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अगर जाते हैं उस वक्त ट्रैफिक को रोक दिया जाता है लेकिन आम लोगों के लिए इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है, ये इनका आरोप है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से वीवीआईपी अगर कोई बड़े मंत्री जाते हैं तो उस वक्त ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर दी जाती है लेकिन आम लोगों के लिए सड़क को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया जाता है। सिर्फ पटना के कई चौक चौराहे पर आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेगा लेकिन सिर्फ चेकिंग करने के लिए, आपको पैसे चालान काटने के लिए, तमाम चीज़ें इनका आरोप है सीधे तौर पर। और जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं, तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ नज़ारा है वो हम अपने दर्शकों को इस वक्त डीएसडी न्यूज़ पर लाइव शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें कि लोगों तक ये बातें पहुंच सके और लोगों को जानकारियां प्राप्त हो सके, हम कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप ये करवाइए सर, यहाँ बैरिकेडिंग पहले लगवा दीजिए, स्लो गाड़ी कोई ओवर स्पीडिंग यहाँ पे नहीं करेगा सर,
कॉलेज का मामला है, चालान काटने के कूद जाते हैं, मैं भी बचा स्टूडेंट है सर, अगर आप बताइए सर स्टूडेंट है यहाँ पे, अगर इस साइड से उस साइड अगर किसी को छोड़ने जाना है उसके डबल हेलमेट खोजते रहते हैं, कहाँ से स्टूडेंट लेके आएगा बेचारा, वो अलग से बस बाइक नहीं है हेलमेट लेके आएगा सर, इमरजेंसी केस में चला जाता है सर, उसके लिए पकड़ के 2000 रुपए का फाइन काट दिया जाता है, देखता नहीं कहाँ से गाड़ी आ रही है, बात नहीं होता है, ठीक ना, दिक्कत नहीं होता है, आप ही कोना में देखिए, आप कोना में खड़ा हो देखिए, मतलब कि जैसे घंटी पे घंटी रहता है क्या, बाइक के पीछे दौड़ने लगे होता ना कि पहले प्लेट में घुस जाना है, ठीक है, सर मुझे वही बात है सर, आपसे दो ही रिक्वेस्ट है, पहला ये बैरिकेडिंग आप यहाँ सुरक्षा के लगवाइए, और ये चालान काटने के जो जबरदस्ती का हम लोग चालान काटा जाता है उसको सर बंद करवाइए आप, हम लोग सर इमरजेंसी केस में अगर किसी को एक साइड से उस साइड ले भी जाना है तो उसके 2000 रुपए का चालान काट जाता है, स्टूडेंट हाँ ड्रेस में सर भेज जाते हैं, आप बताइए सर स्टूडेंट अपना यहाँ से घर नहीं जा सकता है एक स्टूडेंट को लेके, देखिए ये चालान भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी चालान कटी है, वो चालान को भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आए दिन चालान कटती है और जो उन्हें फाइन देना पड़ता है, देखिए 1000 रुपए का ये चालान है और वो दिखा रहे हैं, रोकने के लिए अगर कोई हाई कोर्ट में जाने के लिए रहता है वो रुक जाते हैं, चाबी निकाल ले बैग से, भी चाबी निकाल लिया जाता है उसमें से, एक और रहता है कैमरा वाला भी पीजो रहता है खाली, वही बाकी सब जो है सेटिंग करने में लगा रहता है, कहाँ सेटिंग होगा, देखिए साफ तौर से इन्होंने पूरी शिकायत सर अधिकारी को दे दी है, जो यहाँ पर कल से नहीं है, ऐसा कहिए कल से हम ट्रैफिक से बात कर रहे हैं, ट्रैफिक से नहीं है, है ना, हम यहाँ कोतवाली का डीएसपी है, ठीक है, लेकिन हम बच्चों ऐसा क्या 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 बोले, ऐसा होता है क्या बोले, सुनिए नहीं नहीं सुनिए, ये ट्रैफिक से सर बात कर रहे हैं, हम डीएसपी कोतवाली है, आप लोगों का सुने बच्चा लोग जाम किया है तो हम सोचे चलते हैं बात करते हैं क्या है बच्चा लोग, आपका जो मामला है ट्रैफिक तक पहुंचाएंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि दोनों जेन्युइन मांग है आपका, है ना जी सर, वो इस पर कोई समाधान नहीं, कब तक समाधान निकलना चाहिए, ये एक सर फिर भी लिमिट मुझे दे दीजिए, कोई समय सीमा बताइए, आपसे हम लोग कितना वेट कर ले सर, 2 दिन 4 दिन कितना वेट कर ले सर, बताइए आप हाथ में चोट लगा है सर, कब तक वेट कर ले सर, सुनिए सुनिए क्या बैरिकेडिंग होगा फिर जाऊंगा, सुनिए सुनिए फिर हम बता रहे हैं जी सर, एक जो ये है आपका, जो आपका कहना कि चालान काटा जाता है अवैध रूप से, उसको तो हम लोग तत्काल देख लेते हैं जी, क्या इसमें मामला है, क्या सच्चाई है, क्या होता है, और जहाँ तक यहाँ पर जबरा क्रॉसिंग वो सब 2 दिन का बात नहीं है, वो बात हम पहुँचा देंगे, कम से कम ये जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ लगवा दीजिए, ये तो आपका भी काम है कि रोड देखकर सर, ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा हुआ है उसको यहाँ लगवा दीजिए, बहुत बड़ी समस्या है सर, ओवर स्पीडिंग की समस्या सबसे प्रमुख है इस रोड में सर, ओवर स्पीडिंग आप लोगों में भी लोग करते होंगे, सर सर स्कूल के सामने होते हैं, चलिए देखिए कोतवाली के डीएसपी संजय कुमार पहुंचे हैं और कोतवाली थाना प्रभारी सुनील सिंह भी पहुंच गए हैं मौके वारदात पर, तमाम चीज़ें हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ नज़ारा निकल कर सामने आ रही है, वो भी हम बात करेंगे, जो ट्रैफिक माफ़ कीजिएगा जो डीएसपी हैं कोतवाली के उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारियाँ लेंगे उनसे कि क्या कुछ जो बातें निकल कर सामने आई है और क्या इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए जो बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी है वो भी मौके वारदात पर पहुंचे हैं, कई थाने की पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए, जो छात्र हैं एलएन मिश्रा के वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बातचीत हो रही है, जो पूरी बातचीत क्रम में क्या कुछ जानकारियाँ निकल कर आती है वो भी हम अपने दर्शकों को साझा करेंगे और उनके पक्ष में ये बातें हो गई है इसलिए वो तालियां बजा रहे हैं। देखिए लगता है ऐसा ही, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो खबरें निकल कर सामने आ रही है एसडी न्यूज़ पर, आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, लाइव तस्वीर देख रहे हैं और लगातार हम इस खबर पर आप पर नज़र बनाए हुए हैं और क्या कुछ जानकारियां बाहर आती है वो हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे और साझा ज़रूर करेंगे, तमाम चीज़ें जो है क्या कुछ निकल कर सामने आता है
वो हम कोतवाली के डीएसपी से बात करेंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ बातें हुई हैं और बातें क्या निकल कर आई है वो तमाम। देखिए पूरी तरीके से उनके पक्ष में हो चुका है, हम बात करने की कोशिश करते हैं कोतवाली डीएसपी हैं। सर क्या कुछ बातें हुई सर? धन्यवाद सर आप आए हैं। क्या कुछ बातें हुई सर? नहीं, आज सुबह में एक बच्ची का एक्सीडेंट में जख्मी हो गई है बच्ची, उसी के संबंध में इन लोगों का डिमांड है कि कोई व्यवस्था हो जहाँ पर सकुशल रोड क्रॉस ही लोग कर सके, उसका व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रैफिक पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आए दिन वसूली के काम नहीं, वो देखा जाएगा। तो देखिए इन्होंने कहा कि वसूली के नाम पर जो सर क्या कुछ जानकारियां निकल कर आई बोल दिए, एक से लेना लीजिए अभी तो पूरी तरीके से जो सुनील सिंह है जो थाना प्रभारी कोतवाली के, उन्होंने ये जानकारी दी। हमने डीएसपी से बात की, डीएसपी ने साफ तौर से कहा कि सड़कें अब खोल दी जा रही है और पूरी तरीके से जो उनकी जो बातें हैं वो हम अपने बातें पहुंचाएंगे और जो ट्रैफिक की बातें निकल कर आ रही है वो जांच का विषय है, जांच कर ये पता लगा पाएगा। सड़कों को खोल दी गई है, अब लोग ये सड़क से जा सकते हैं। करीबन एक से डेढ़ घंटे तक ये सड़क बाधित रहा और पूरी तरीके से अब सड़क को खोल दी गई है और जो इनकी जो बातें थी वो पुलिस के समीप रखा गया। कोतवाली की डीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी और बुद्धा कॉलोनी के थाना प्रभारी, तमाम कई थाने की पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है, लोगों को छात्रों को समझाई। अब छात्र जो है वो अपने कॉलेज की ओर जा रहे हैं और सड़क को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहें 10 दिन उसके साथ और देखते रहें 10 दिन, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। सन ब्रदर्स अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई, और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएं, प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ बालवाड़ी केंद्र द्वारा। गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी जी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।